थैंक गॉड चीफ कहने से पहले आ गए। हाँ तो मैं हमेशा जल्दी आती हूँ। तुम और जल्दी हेलो लेट हमेशा तुम हो तो इसीलिए चीफ से डांट खाते हो। तो मेरा स्टाइल है। ये लाश यहाँ आई कैसे? शायना, मुझे लगता है मैं चीफ को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अरे भाई किसे क्या इन्फॉर्म करना है? चीफ लाश। यहाँ कैसे? पता नहीं चीफ, जब हम आए हमने दरवाजा खोला और हम केबिन की तरफ आ ही रहे थे कि ये लाश यहाँ पे हमें मिली। पता नहीं चीफ, ऐसा कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हो गई? और वो भी यहाँ कमांड पोस्ट के ऑफिस में। ये तो हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि कमांड फोर्स के ऑफिस में कत्ल, क्या ये महज एक इत्तफाक है या फिर कमांड फोर्स के खिलाफ रची गई एक सोची समझी साजिश? खिड़कियां तो बंद है, दरवाजा भी लॉक है, चाबी तो हमारे पास है, तो ये लड़की आई कहां से और कातिल कत्ल करके बाहर कैसे गया? पता नहीं, यही बात तो समझ में नहीं आ रही है। ये गुत्थी तो हम सुलझा ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले इस लाश की शनाख्त करना बहुत जरूरी है। अर्ल, तुम देखो कहीं इसके पास कोई ऐसा कागज आइडेंटिटी कार्ड है जिससे मैं पता चल सके कि ये लड़की आखिर है कौन। यस। शना, तुम ये सारे ब्लड सैंपल जमा करो और फोरेंसिक लैब में भेज दो। यस चीफ। और साहिल, तुम यहाँ आसपास देखो कहीं कोई फिंगरप्रिंट्स मिल जाए। चीफ। कल कुछ मिला? नहीं चीफ, इस लाश से ऐसे कोई भी पेपर्स नहीं मिले जिसे इस लड़की की पहचान पता चले कि ये कौन है। चीफ, अगर कुछ नहीं मिला तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये लाश किसकी है? और अगर हमें ये पता नहीं चला कि लाश किसकी है तो हम आगे की तहकीकात कैसे करेंगे? कल लड़की ने जो ड्रेस पहना, अगर ये ड्रेस उसने किसी दर्जी के पास सिलवाया है तो अक्सर दर्जी यहां इस जगह पर एक लेबल लगाते हैं जिस पर उस टेलर का नाम होता है और पता भी। ये वो शायद पता चल जाए। चीफ, टेलर का नाम है परमार टेलर्स। और पता? अंधेरी ईस्ट। साहिल, अभिनव, फौरन जाओ और अंधेरी ईस्ट का कोना कोना छान मारो, क्योंकि इस लड़की की पहचान तक पहुंचने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है, परमार टेलर्स।
परमार लेडीज टेलर। अरे भैया सुनो, ये फोटो में जो कुर्ती है ये यहां से ही सिलाई गई है ना, क्योंकि इस कुर्ती पर आपकी दुकान का टैग है। अगर ये कुर्ती अच्छी सिली है तो हमारे दुकान से ही सिली है, और अगर घटिया है तो कहीं और जाके पूछिए, ये पता गलत है। जरा देखकर बताइए ये कुर्ती आप ही की दुकान से सिलवाई गई है या नहीं। देखिए ऐसे ड्रेस हम दिन में 500 देखते हैं, ये ड्रेस तो आप ही देखिए। देख सीधी तरह से बता दे वरना कान के नीचे ऐसा तमाचा मारूंगा कि अपने आप मुंह से सब कुछ निकलने लगेगा। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या जबरदस्ती है? कौन है ये लोग? हम लोग कमांड फोर्स से हैं। कमांड फोर्स? जी कहिए। ये फोटो में जो ड्रेस है ये आपकी शॉप से बनी है या फिर क्या आपने इस लड़की को कभी देखा है? देखिए एक दिन में हजारों लोग आते हैं, हमें क्या पता कौन सा ड्रेस किसने सिलवाया होगा। हजारों लोग आते इस छोटी सी दुकान में, हजारों लोग आते। नहीं मेरा मतलब है कि एक दिन में बहुत सारे लोग आते हैं और हर एक को पहचानना तो मुश्किल है। देखिए आप इस लड़की की फोटोग्राफ को ठीक से देखिए, शायद कुछ याद आ जाए। मेरे दुकान में हजारों लोग आते हैं, मेरा मतलब है कि बहुत सारे लोग आते हैं, तो ये बताना मुश्किल है कि किसने कब क्या ड्रेस सिलवाया था। देखिए आप अपने वाउचर्स, मेरे मतलब अपनी रसीद की किताब में कपड़े का एक सैंपल लगाते हैं ना। जी सर। तो ठीक है आप हमें वो रसीदें दिखाइए, उस पर से हमें वो नाम और पता अपने आप मिल जाएगा। जी सर, लेकिन आप कितने रिकॉर्ड चेक करेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल? ये तो बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से ये कुर्ती का फैशन तो 4 महीने पहले आया है, तो आप हमें 4 महीने पहले की रसीदें दिखा दीजिए। जी सर लीजिए। मिल गया। लड़की का नाम भी और उसका पता भी। क्या नाम है लड़की का? अक्षरा। क्या आप इन्हें जानती हैं? ये तो मेरी बेटी है, कल रात से गई है, अभी तक घर नहीं आई है। आपको पता है कहाँ मेरी बेटी? बताइए ना। जी वो मैम। आप लोग चुप क्यों हैं? प्लीज बोलिए ना। जी आपकी बेटी का किसी ने कत्ल कर दिया। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है? कल ही तो मेरी गोद में सर रख के बोल रही थी कि माँ मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। उसे कैसे कुछ हो सकता है? उसे कुछ नहीं हो सकता। नहीं मैम, देखिए संभालिए अपने आप को। और हम झूठ क्यों बोलेंगे, ये सच है कि आपकी बेटी का खून। लेकिन मेरी बेटी को कोई क्यों मारेगा? यही तो हम ढूंढना चाहते। देखिए आपकी बेटी के कातिल का पता लगाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बेटी के कातिल को सजा मिले? क्यों नहीं चाहूंगी मैं? हम भी यही चाहते हैं कि हम आपकी बेटी के कातिल को जल्द से जल्द पकड़ें और उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाएं। लेकिन इसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप हमारी मदद करेंगी ना? तो बताइए कि क्या आपकी बेटी का कोई दुश्मन था? उस बेचारी का कोई क्या दुश्मन हो सकता है, वो तो बड़ी सीधी सादी बच्ची। जरा सोच कर बताइए,
क्या आपको किसी पर शक है? क्या सोचूं? क्या बताऊं? उस बच्ची का कोई दुश्मन कैसे हो सकता? अच्छा, आपने कहा था कि कल शाम आपकी बेटी कहीं गई थी, कहाँ गई थी? वो अपने बहुत ही पक्की दोस्त प्रिया के घर गई थी। प्रिया? अब ये प्रिया ही बता सकती है कि कत्ल से पहले वो कहां गई थी। चाइना, क्या वो उस लाश की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई? चीफ, मैंने फॉरेंसिक रिपोर्ट के बारे में अभी पता किया, वो खून अक्षरा का है, लेकिन कातिल ने कोई भी सुराग नहीं छोड़ा है। ये केस और ही उलझता जा रहा है। चीफ, मुझे लगता है एक बार हमें फिर से पूरे कमरे की छानबीन करनी चाहिए। क्या तुम ठीक कह रहे हो साहिल? लेट्स मूव। चीफ, चीफ ये देखिए, ये चिटकनी पर और ये बाहर की तरफ कुछ ब्लड स्पॉट्स मिले। चना, बाहर जाकर देखो खिड़की की बाहर की दीवार पर कितना ब्लड है। यस चीफ। साहिल, चीफ, तुम वहां नीचे जाके देखो कहीं आसपास और कोई खून के धब्बे तो नहीं। ओके चीफ। ये देखिए, ये चिटकनी और बाहर की दीवार पर ही ब्लड स्पॉट है। साहिल, कुछ मिला? खिड़की के नीचे इर्द-गिर्द कोई भी खून के निशान नहीं मिले। अच्छा, मतलब खून सिर्फ खिड़की की चिटकनी और खिड़की की बाहर की दीवार तक ही है, उसके बाद यहां सीढ़ी पर या सीढ़ी के नीचे आसपास कहीं भी कोई खून के धब्बे नहीं है। मुझे लगता है कि इसका मतलब साफ है कि लड़की कातिल से बचने के लिए यहां तक आई होगी, उसे और कोई रास्ता नहीं दिखा, वो यहां सीढ़ी पर चढ़ गई और हमारी ऑफिस की खिड़की खुली देखकर लड़की ने खिड़की खोली और वो खिड़की के ऊपर चढ़ गई। तभी कातिल पीछे से आया होगा और लड़की को चाकू मार दिया होगा और फिर वही जख्मी हालत में लड़की हमारे ऑफिस के अंदर चली गई। उसने अपने आप को कातिल से बचाने के लिए खिड़की अंदर से बंद कर ली और चिटकनी लगा दी, लेकिन कातिल ने उस लड़की पर जो वार किया था वो काफी गहरा और सख्त था और इसीलिए काफी खून बह जाने से लड़की ने उधर ही दम तोड़ दिया। मुझे ये लगता है कि ऑफिस के पीछे वाली ये सुमसान रास्ते की अगर हम अच्छी तरह से छानबीन करें तो जरूर हमें कोई ना कोई सुराग तो मिल जाएगा। लेट्स गो। वो देखो साहिल, बाकी की सारी मिट्टी सूखी और वहां सिर्फ इतनी छोटी जगह पर गीली मिट्टी और वो भी बाकी मिट्टी से ऊपर उठी हुई। चेक करो। ये देखिए, लेकिन चीफ इस पर तो खून के निशान है ही नहीं। कातिल तो बहुत शातिर निकला, उसने खून के निशान पहुंच दिए और उंगलियों के निशान भी पहुंच दिए होंगे ना। We'll be right back.
शाइना, कातिल भले ही कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा अपराध करते वक्त एक ऐसी छोटी गलती कर जाता है कि वो उसकी गलती सुराग बनकर उसे कानून के शिकंजे में फंसा ही देती है। ये देखो, कातिल ने पूरे चाकू से खून साफ तो किया, लेकिन जल्दी जल्दी में वो यहां चाकू की नोक पर और यहां ये दो बाजू पर खून साफ नहीं कर पाया। इस खून का सैंपल फोरेंसिक लैब में भेजो, पता तो चले कि ये खून है किसका। चीफ, ये खून जरूर अक्षरा का ही होगा जो हमें खिड़की और उसके बाहर की दीवार से मिला है, लेकिन ये हमें कातिल तक पहुंचने में कैसे मदद करेगा? कुछ भी तो नहीं। शक ही हमेशा किसी भी तहकीकात की नींव होती है। अगर ये चाकू पर जो खून लगा है वो उस कातिल का होगा तो हमें एक बात का पता चल जाएगा और यकीन हो जाएगा कि कातिल ने यही चाकू से अक्षरा का खून किया है। और अगर जैसे तुमने कहा ये खून अगर अक्षरा का है तो हमारे पास ये चाकू कातिल के खिलाफ एक ठोस सबूत बनकर रहेगा। कोशिश करने में क्या जाता है, भेज दो इस चाकू को फोरेंसिक लैब में। यस चीफ। शाइना, उस चाकू पर लगे खून की फोरेंसिक रिपोर्ट आई? रिपोर्ट मेरे पास है जी। खून अक्षरा का ही होगा? यस जी। इसका मतलब ये कि तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। मेरे अंदाजे के साथ साथ आपका शक भी सही। मतलब ये कि उस चाकू पर अक्षरा के खून के साथ किसी और शख्स का खून भी था। इसका मतलब साफ है कि उस चाकू से एक नहीं दो कत्ल किए गए थे। एक लाश यानी कि अक्षरा की लाश तो यहाँ हमारे कमांड फोर्स के ऑफिस में मिली, लेकिन दूसरी लाश का अब तक कोई पता नहीं। ये केस तो उलझता ही जा रहा है। उलझने जितनी ज्यादा होती है सुलझाने का मजा और ही आता है। बहुत समय के बाद ऐसा केस मिला है। हमारे कमांड फोर्स की ऑफिस में एक लाश, एक चाकू, दूसरी लाश का कोई पता नहीं और कातिल फरार। खेल काफी मुश्किल है और खिलाड़ी शातिर। अब आएगा खेल का असली मजा और हमारी चाल का नतीजा तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। जी मैं ही प्रिया हूँ, कहिए क्या पूछना चाहते हैं आप? आप अक्षरा को जानती हैं? जी हाँ, वो तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। दोस्त है नहीं, थी। जी? आपकी दोस्त अक्षरा का किसी ने कत्ल कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? खली तो वो यहाँ आई थी। खली उसका कत्ल किया गया? वो मेरी दोस्त ही नहीं बल्कि मेरी सगी बहन से भी बढ़कर थी मेरे लिए। कितने खुश थे हम दोनों ने मिलकर उसके लोन के कागज भी तैयार किए। लोन के कागज? जी हाँ, लोन के कागज। अक्षरा अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहती थी और 3 महीने से हम दोनों ने मिलकर उसके लोन के कागज शुरू किए। वो कागज कल के कल जमा करने जरूरी थे, इसलिए वो जल्दी जल्दी बैंक चली गई। इतनी भी जल्दी क्या थी लोन के कागज जमा करवाने की? कल से ब्याज की दरें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली थी और साथ में मार्जिन मनी भी बहुत बढ़ जाने वाली थी। मार्जिन मनी? जी मार्जिन मनी। मार्जिन मनी का मतलब है वो पैसे जो लोन लेने वालों को अपनी तरफ से लगाना पड़ता है। पर अक्षरा के लिए और पैसे जुटा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसने ये पैसे अपने छोटे से बिजनेस शुरू करने के लिए इकट्ठे किए थे। और पैसे जमा करने होते तो उसका ये बिजनेस शुरू करने का सपना मिट्टी में मिल जाता, इसलिए वो जल्दी जल्दी बैंक चली गई, क्योंकि उसे 8 से ज्यादा तो यही बच गए थे। वो तो अच्छा था कि बैंक रात के 8:30 बजे तक खुला रहता है। जी
आपको किसी को बर्शक है? जी नहीं, मुझे मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है प्रिया, अगर आगे हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू। मुझे लगता है मैं बैंक जाके देखना चाहिए कि अक्सर वहां कितने बजे पहुंची थी। एंड आई एम श्योर इस केस की अगली कड़ी हमें बैंक से ही मिलेगी। मैं अभी बैंक मैनेजर से मिलके आ रही हूँ। स्टाफ से भी पूछा लेकिन अक्षरा बैंक नहीं आई थी। चीफ, अभी अभी कैरल का फोन आया था, वो कह रही थी कि अक्षरा तो बैंक पहुंची ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? अक्षरा की सहेली प्रिया ने तो ये बताया कि अक्षरा उसके घर से बैंक जाने के लिए ही निकली थी, और अगर अक्षरा उस दिन बैंक नहीं पहुंची तो दूसरे ही दिन से ब्याज की दर और मार्जिन मनी बढ़ जाने वाली थी, तो अक्षरा का उस दिन बैंक पहुंचना बहुत ही जरूरी था। फिर अक्षरा बैंक क्यों नहीं पहुंची? चीफ, बैंक क्यों नहीं पहुंची वो तो पता नहीं, लेकिन प्रिया के हिसाब से अक्षरा बैंक के लिए निकली जरूर थी। अभिनव, इसका मतलब यह है कि अक्षरा के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसकी सहेली प्रिया के घर और बैंक के बीच वाली सड़क पर हुआ है। हमें उस सड़क पर हर किसी से पूछताछ करनी होगी और उस सड़क की अच्छी तरह से छानबीन करनी होगी। हो सकता है कोई ये नहीं चाहता हो कि अक्षरा को लोन मिले, शायद इसीलिए उसने अक्षरा की हत्या कर दी। लेकिन शायद ना ये भी तो हो सकता है कि किसी ने जलन या बदले की भावना में उसे मार डाला। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, पर हमें हकीकत का पता करना है। अक्षरा की सहेली प्रिया के घर से निकलकर अक्षरा बैंक पहुंची नहीं, उसका कत्ल हो गया और उसकी लाश हमारे इस कमांड फोर्स के ऑफिस से बरामद की गई। हमें उस रास्ते पर अच्छी तरह से छानबीन करनी होगी। ऑलराइट चीफ। चीफ, आप बैंक के पीछे वाली सड़क पर आ जाइए। क्यों, कोई खास वजह? चीफ, वो प्रिया अक्षरा की जो सहेली है उसकी बिल्डिंग के वॉचमैन ने हमें बताया कि अक्षरा उस दिन मेन रोड से बैंक नहीं गई थी, वो एक सुनसान सड़क से गई थी। अच्छा, ये बात है। ठीक है, तुम लोग वहां पहुंचो, मैं फौरन वहां आ रहा हूं। राइट चीफ। यहाँ तो एक और लाश मिल गई, अब ये किसकी लाश है? ये तो इस लाश पे लगे खून के फोरेंसिक टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि ये किसकी लाश है, लेकिन सबसे पहले इस लाश की शिनाख्त करनी होगी। अभी ना चेक करो उसकी जेब में कोई आइडेंटिटी कार्ड या और कुछ मिल जाए जिससे हमें पता चले कि ये लाश किसकी है। ये विजिटिंग कार्ड मिला है, नाम है संजय, हो सकता है ये इसी का हो। लेकिन सबसे पहले तो इस लाश पर लगे खून को फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजो, तभी पता चलेगा कि ये लाश है किसकी, और अगर ये विजिटिंग कार्ड भी उसका है उसे घर जाकर पता करना पड़ेगा। कमाल है, जैसे एक के बाद एक सुराग मिलते जा रहे हैं, ये केस तो उलझता ही जा रहा है। देखते आगे क्या होता है। फॉरेंसिक टेस्ट की रिपोर्ट आए उसके पहले तुम इस पते पर जाकर पता करो है कौन ये। मूव। कम ऑन साहिल, मैं कमांड फोर्स से हूं, क्या आप संजय को जानते हैं? जानते
जी मैं उसका बड़ा भाई हूँ, क्यों क्या हुआ? देखिए मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि संजय का क्या हुआ? संजय को बताइए ना क्या हुआ, अब बोलिए तो सही, क्या बात है संजय को क्या हुआ? संजय का कत्ल हो गया। क्या ये क्या क्या कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे भाई को भला कोई क्यों मार सकता है? यही तो हम पता लगाना चाहते कि उसे क्यों मारा, किसने मारा। देखिए होनी को तो हम टाल नहीं सकते, लेकिन आप हमारी मदद जरूर कर सकते हैं उस कातिल को पकड़ने। क्या आप हमें बता सकते हैं कि संजय का कोई दुश्मन था? दुश्मन? उसका दुश्मन कौन हो सकता है? आपको किसी पर शक है? शक? मुझे किस पे शक होगा? अच्छा आखिरी बार जब संजय घर से गया था तब कहाँ गया था? कि 3 दिन पहले वो ऑफिस गया था, उसके बाद वो आया ही नहीं। What? वो 3 दिन से घर नहीं आया और आपने पुलिस में कोई कंप्लेन नहीं की? अक्सर वो ऑफिस के काम से 2-3 दिन के लिए बाहर जाया करता था और आ भी जाया करता था, लेकिन इस बार वो आया ही नहीं। देखिए आप संभालिए अपने आप को, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम संजय के कातिल को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे और उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। बस आप हिम्मत रखिए। हेलो चीफ, संजय के घर पर पूछताछ की लेकिन यहां से तो उसके किसी दुश्मन के बारे में कुछ पता नहीं चला। उसके ऑफिस जाकर देखते हैं, क्या पता वहां से कुछ पता चल जाए। एक्सक्यूज मी। यस? हम लोग कमांड फोर्स है। सर आइए सर, ये ड्रोवर। सर यही वो कागज है जिसको पर लिख रहा था करीम शेख खाओगली। करीम शेख खाओगली, ये पता भी नजदीक का ही है। मुझे लगता है कि कातिल ये करीम शेख ही है। साहिल फौरन इस पते पर जाओ और इस करीम शेख को धर दबोचो। ऑलराइट चीफ। गो। चीफ एक बुरी खबर है, वो करीम जिसका नाम हमें संजय के ऑफिस से मिला था वो तो 25 दिनों से इंडिया से बाहर है, वो कातिल कैसे हो सकता है? लेकिन हाँ ये हो सकता है कि करीम ने वो खून किसी और के हाथों करवाया और किसी को शक भी ना हो इसलिए इंडिया से बाहर चला गया हो। हो सकता है साहिल, अब इस केस में सब कुछ हो सकता है। एक बात तो है, आज तक हम किसी भी केस में इस तरह नाकामयाब नहीं रहे और हम हिम्मत नहीं हारेंगे, कोशिश करते रहेंगे। साहिल हम जब वो बैंक के पीछे वाली सुमसान सड़क पर गए थे तब वहां एक चाय की दुकान थी जो उस वक्त बंद थी। आज वापस जाओ और अगर वो चाय की दुकान खुली है तो उस चाय वाले से पूछताछ करो। ऑलराइट चीफ। अरे छोटू सुन। हाँ। 16 तारीख की शाम को 7:30 से 8:30 के बीच में जो लोग तेरी दुकान पर आए थे तुझे याद है क्या?
अरे साहब, यहाँ से तो बहुत से लोग आते जाते रहते, याद कैसे रहेगा? देख, तूने उस दिन किसी को वहां जाते हुए देखा था क्या? याद करके बता। देख, अगर तू हमें बताएगा तो फायदा हो सकता है। अब याद आया कुछ? हाँ साहब, एक आदमी आया था, और हाँ मुझे लगा वो चाय पीने आएगा, पर वो सीधा उस तरफ चला गया साहब। और हाँ साहब, उसके हाथ में एक बैग भी था। बैग? बैग में क्या हो सकता है? पैसे हो सकते हैं, चाकू भी तो हो सकता है जिससे उसने खून किया। अच्छा, वो वापस कब आया था? काफी देर बाद आया था वो, और काफी घबराया हुआ था वो। घबराया हुआ था? अब और क्या देखा तूने? साहब, हम दुकान बंद कर रहा था, तभी वो काफी तेजी से आया मेरे ओर और पानी मांगा, मुंह पे पानी मारा, और साहब खूब पानी पिया और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल गया साहब। इसका मतलब जो आदमी गैरेज में गया है वही कातिल है। लेकिन गैरेज के अंदर तो संजय भी गया था। अच्छा, क्या तुम्हें उस आदमी की शक्ल याद है? हाँ साहब, अच्छी तरह से। तो क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो उसका स्केच बनवाने में? जरूर साहब। साहब एक बात पूछूं? आप लोग पुलिस से हो? कमांड फोर्स। चीफ, उस चाय वाले की मदद से हमने ये स्केच तैयार करवाया। गुड, वेरी गुड। इसका मतलब ये कि उस कातिल का चेहरा आखिर हमारे सामने आ ही गया। फौरन इस आदमी की तस्वीर को हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ मैच करो, कहीं ये कोई क्रिमिनल तो नहीं। डू इट फास्ट। यस चीफ। चीफ, एक बार ये कातिल पकड़ा जाए तो इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हाँ साहिल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कर्ल, क्या कहता है तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड? चीफ, इसका चेहरा किसी भी क्रिमिनल से मैच नहीं करता। इसका मतलब यह है कि यह आदमी कोई हार्ड कोर क्रिमिनल तो नहीं। ठीक है, देखो तुम लोग ये तस्वीर को लेकर संजय के घर और ऑफिस जाओ, उन्हें यह तस्वीर दिखाओ, और हां साथ साथ अक्षरा और उसकी वो सहेली प्रिया के घर भी जाना, क्योंकि संजय और अक्षरा के बीच के संबंध को नकारा नहीं जा सकता। बस एक बार उनमें से कोई एक भी अगर इस आदमी को पहचान ले तो मानो कातिल हमारी गिरफ्त में आ ही गया। क्या तुमने इस आदमी को कहीं देखा है? और से देखकर बताओ, सोच के बताओ, शायद कभी तुम इससे कहीं मिली हो। जी नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। हम आपसे कुछ पूछने आए। मेरे भाई के खूनी का पता चल गया? जी देखिए, अभी तक तो नहीं, पर बहुत जल्द पकड़ लेंगे। अभी तक नहीं पकड़ा आपने? मुझे लगता था कमांड फोर्स मेरे भाई के कातिल को पकड़ लेगी, लेकिन अब मुझे लगता है आपसे कुछ नहीं होगा। देखिए, हम समझते हैं कि आप पर क्या गुजर रही, लेकिन हमें उस कातिल की तस्वीर मिल गई। क्या आप इसे जानते हैं? नहीं, मैं इसे नहीं जानता। हेलो चीफ, संजय के घर, उसके ऑफिस, अक्षरा के घर, सब जगह पूछ लिया, लेकिन किसी को भी कातिल के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, अभी तुम ऑफिस लौट आओ, फिर कुछ सोचते हैं। ओके चीफ। ये केस हमारे लिए अब एक चैलेंज बन गया है।
हालात कुछ ऐसे कि आगे कोहरा छाया हुआ है, अंधेरा भी है और हमारे हाथ से टॉर्च तक गिर गई है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रास्ता तो हम जरूर निकालेंगे। अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है। उस कातिल ने संजय के साथ कभी ना कभी फोन पर बात तो की होगी और संजय के टेलीफोन रिकॉर्ड से हमें उस कातिल का नाम, पता, सब कुछ मिल सकता है। बस फौरन जाओ और संजय का टेलीफोन रिकॉर्ड निकालो। आखिर कातिल का पता चल ही गया, ये कातिल का नाम और पता, बस अब ये हमारी आखिरी चाल और फिर शय और मात। आप लोग कौन है? कमांड पोस्ट। या फिर तू एक और। मैं कोई पेशेवर मुजरिम नहीं हूं सर। सर मैं बहुत बड़ा आदमी बनने का सपना लेकर इस शहर में आया था, लेकिन पैसे नहीं बना पाया। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी और अक्सर मैं देखा करता था कि मेरे बॉस के लॉकर में ढेर सारे रुपए पड़े रहते थे और फिर मैं जरूरत के दबाव में लालच में आ गया सर। और फिर एक दिन मेरे बॉस की गैरहाजिरी में उनके लॉकर से मैंने पैसे चुराए, लेकिन उसी वक्त वहां संजय आ गया। वो अक्सर हमारी ऑफिस आया जाया करता था। उसने मुझे पैसे निकालते देख लिया फिर मैंने संजय को पैसे में हिस्सेदारी देने का ऑफर रखा। पहले तो सब ठीक चला, लेकिन संजय का लालच बढ़ने लगा था। उसने मुझे हैरान कर दिया था। एक दिन मैंने तय कर लिया, अब इसका मुंह और खुले उससे पहले हमेशा के लिए इसका मुंह बंद कर दूंगा। और फिर मैंने उसको फोन करके एक सुनसान जगह पे बुलाया। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुमने उस अक्षरा को क्यों मारा? उसके साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? सर मैं उस लड़की को जानता तक नहीं था। जब मैंने संजय का खून किया उसी वक्त पता नहीं ऐसे सुनसान रास्ते पर वो कहां से आ गई। उसने मुझे संजय का खून करते हुए देख लिया था और अगर मैं उसका खून नहीं करता तो मैं फंस जाता सर। हाल आया हूं, लेकिन यहां पर देना सेफ नहीं है। वहां पे आओ। आ जा। मैंने उसका पीछा किया और अचानक वो खुली खिड़की से किसी ऑफिस के अंदर जाने लगी और मैंने उसकी पीठ में चाकू मार दिया। तुमने उस चाकू को मिट्टी में छिपा दिया
और वहां से भाग गए। तुमने ये सोचा था कि तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन देखा एक छोटे से लालच ने तुम्हारी जिंदगी किस तरह बर्बाद कर दी। इसीलिए याद रख, जुर्म की ओर उठा हुआ पहला कदम भले ही कितना भी छोटा क्यों ना हो नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो छोटा कदम इंसान को जुर्म की दलदल में इस कदर फंसाता है इसका आखिरी अंजाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होता है। इसीलिए आप भी लालच से दूर रहिए, अपने जीवन से संतुष्ट रहिए।